building a good body is not about hard work or training. It's about knowledge, because good health and fitness comes with knowledge. Subscribe and hit the bell icon for real knowledge. नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, धूप से आप अगर टैन हो चुके हैं और आप जानना चाहते हैं टैनिंग के तरीके, तो ये आपको बेसिक्स हम बताने वाले हैं, साइंटिफिक बेसिक उसके पीछे का। आपको कोई ऐसी होम रेमेडी नहीं देने वाले जो काम करें ना करें आपको नहीं पता। ये उन सारी होम रेमेडीज़ के पीछे का साइंस है। ये ज़ोरदार ऐसी बेसिक्स हैं जो आपको पता हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? सो हमने सन टैन के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया, जिसमें हमने बताया है कि सन टैन, टैनिंग, सन बर्न्स क्यों होते हैं, यूवीए, यूवीबी लाइट्स, और आप उसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बहरहाल सबसे अच्छा ट्रीटमेंट सन टैन का ही है, प्रोटेक्शन, राइट? क्योंकि कायदे से टैन खुद ब खुद चला जाएगा, सन टैन 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, किसी में 4 हफ्ते में खुद ब खुद चला जाएगा, स्लोली अपने आप वापस आपको नॉर्मल कलर आ जाएगा। वो शर्त है कि आप धूप से बच रहे हैं, राइट? अगर आप धूप में बार बार जाते रहेंगे तो वो टैन ना सिर्फ रहेगा बल्कि बढ़ता जाएगा। और ये टैन से एक्चुअल डार्क स्पॉट्स, अनइवन टोन्स, मेलेस्मा में तब्दील हो जाएगा, याद रखिए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रोटेक्शन, राइट? अगर जहाँ से आपको जल रहा है हाथ वो नहीं हटाएंगे तो वहाँ क्रीम लगाने कोई फायदा नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सन टैन ख़त्म करने के लिए सन से पहले प्रोटेक्शन करिए। उसके लिए आप सन प्रोटेक्शन वाला हमारा वीडियो देखिए। उसके अलावा जो चीज़ आप कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। नंबर वन चीज़ है जो आप दुनिया भर में देखते हो, मैजिकल चीज़ें, मैजिकल सिरम्स, मैजिकल ट्यूब, मैजिकल क्रीम, मैजिकल ऑइंटमेंट्स। उनमें क्या होता है, उनमें ऐसा क्या होता है कि जो आप सन टैन हट जाता है? एंटी टैन लोशन, एंटी टैन बॉडी वॉश, एंटी टैन फेस वॉश, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स और वाइटामिंस होते हैं, बस बेसिक उसका ये होती है। या ब्लीचिंग एजेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वाइटामिंस एंड ब्लीचिंग एजेंट्स, राइट? बेसिकली विटामिन सी अगर आप सीरम लगाएंगे टॉपिकली अपने चेहरे पे, जहाँ पे टैन है, दिन में 2-3 बार, तो स्किन वहाँ की लाइटन हो जाएंगी। अनइवन स्किन भी थोड़ी थी, टैन स्किन लाइटन हो जाएगी। यही चीज़ विटामिन ई के साथ भी हो सकती है, और यही चीज़ आपकी फ्रूट्स पील जो लोग यूज़ करते हैं, इवन आप अगर फ्रूट लगाएंगे, पपाया लगाओ, ये लगाओ, वो फ्रूट से भी आप कर सकते हैं। लोग केला लगाते हैं, लोग क्या नाम है उसका, पोटैटो लगाते हैं, वो एक ब्लीचिंग एजेंट है, उससे भी ब्लीचिंग होती है। सुपरफिशियल लेयर आपका ब्लीच हो जाता है, आप थोड़े गोरे दिखने लगते हैं। नीचे का जो मेलानिन है उसको जाने को वही टाइम लगेगा, 2-3 हफ्ते, जैसा हमने मेलानिन आता कैसे है वो मेलेस्मा वाले वीडियो और सन टैन वाले वीडियो में आपको बताया था। वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना है, थोड़े दिन पहले ही आया था। मेलेस्मा या सन टैन बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करके भी यू कैन गेट दैट वीडियोस। उसके अलावा जो बहुत कॉमन चीज़ें आती हैं, यानी ये जो चीज़ें ना, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपको डाइट में भी रखनी है। ये डाइट में आप जितने फ्रूट्स खाओगे, विटामिन्स खाओगे, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3s, विटामिन B12, ये सब अच्छा है, आपको प्रोटेक्ट करेगा अंदर से, आपके अंदर जो इरिटेशन कम होगा उनका, तो सन टैन कम बनेगा, आगे के लिए वो जल्दी ठीक होगा। दैट इज़ हाउ इट गोज, राइट? सो ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, खाना भी, लगाना भी। और फिर आती है कि जिसकी टैन बढ़ गई है, कई लोगों की तो ऐसी में ठीक हो जाएगी, ठीक है ना, इसी में ठीक हो जाएगी। और कई लोग जिसकी टैनिंग बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है, उनको फिर पीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो इफ़ेक्टिव पीलिंग होती है उसमें भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट सिंपल केमिकल पील्स यूज़ करते हैं, AHA, अल्फ़ा हाइड्रोक्सिल एसिड्स, या फिर कोई ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड्स, इनके डेरिवेटिव्स के एक्सट्रैक्ट का पील होता है, 3-4 बार कर लेते हैं रिपीटेड सेशंस में, आपकी बढ़िया से स्किन लाइट हो जाती है, कभी कभी एक में ही हो जाती है, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन योर टैन लेवल, राइट? उसके अलावा कई लोग होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, तो जी हाँ, होम रेमेडीज़ भी काम करती हैं। अल्टीमेटली अगर आप विटामिन बेस्ड होम रेमेडीज़ या जो
कई बार आते हैं, क्या क्या होता है बेसिक, लोग कई बार यूज़ करते हैं बेसन, बेसन और दूध उन दोनों को यूज़ करते हैं, कई बार लगाते हैं आप, मास्क बना लेते हैं, या कई बार एक हनी और शक्कर और टर्मेरिक हल्दी पाउडर इनको मिला के मिक्सचर बना लेते हैं, उसको लगाते हैं, उनसे भी ये टैन रिमूव होते हुए दिखता है। जी हाँ, और साथ ही आप एक्चुअल मास्क ले सकते हैं, कई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ऑक्सीजन इन्फ्यूजिंग मास्क आते हैं, ऑक्सी ब्लीच सुना होगा आपने। आप, जी हाँ, ऑक्सीजन आपके सुपरफिशियल लेयर्स में इन्फ्यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन इन्फ्यूजिंग मास्क होते हैं, विटामिन सी इन्फ्यूजन्स होते हैं, उनसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल होता है ये ट्रीटमेंट, आप जाके करवा सकते हो, आपकी सुपरफिशियल लेयर डीपिगमेंट हो जाती है, डीपिगमेंटेशन, लेकिन वो धीरे 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 आपकी स्किन टोन वापस आ जाती है, राइट, दैट इज़ हाउ इट गोज़। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें है आपका प्रोटेक्शन, आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, अगर आप बाहर जा रहे हो ये सब करवा के फिर सन पे जा रहे हो, सब किए किराए पे पानी फिर जाएगा, वापस आपको सन टैन हो जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सनस्क्रीन, कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, बेसिक इन अ नटशेल इफेक्टिव सन प्रोटेक्शन स्क्रीन में बहुत ज़रूरी है, एक है एक स्किन केयर रूटीन, आपको मॉइस्चराइजर, टोनर, आपको बेसिक क्लेंजर टोनर जो कहते हैं, क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर एंड सन ब्लॉक, ये चार स्टेप्स होने चाहिए, और ये नहीं है तो आपका स्किन केयर रूटीन कंप्लीट नहीं है, आपकी टैनिंग नहीं जाएगी, मेलेस्मा नहीं जाएगा। रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स आर करेक्टेड कनेक्टेड, सो मेक श्योर टू वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ स्किन केयर इन दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।